जिनेंद्र दोस्तों, आज हम बनाएंगे जेन स्टफ टमाटो की सब्जी। उसके लिए मैंने दो कच्चे केले लिए थे जिसको मैंने बॉईल करके स्मैश कर दिया है। ये दो टमाटर की ग्रेवी है जिसमें मैंने एक हरी मिर्च डाल के पीस लिया है। यहाँ पे मैंने 8 छोटे टमाटर लिए हैं जिसका मैंने ऊपर से छिलका निकाल दिया है और अंदर से वो पल्प को मैंने स्कूप कर दिया है। और जो पल्प आपका बचे स्कूप करने के बाद उसे फेंके नहीं, वो आप ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तक फाइनली चॉप कैबेज लिया है। मेरे पास पर्पल कैबेज था, आपके पास ग्रीन कैबेज है तो आप ग्रीन कैबेज भी ले सकते हैं। और ये धनिया है। अभी हम टमाटर के अंदर स्टफ करने का मसाला बनाएंगे। ये मैंने एक तड़के पैन में 1/2 चम्मच तेल गरम कर दिया है। हमारा तेल गरम हो जाए तो उसमें आप एक पिंच ऑफ हींग डाल देना और 1 चम्मच हरी मिर्च, एक थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये तड़का हम इस केले के बॉयल केले में डाल देंगे। फिर इसमें सॉल्ट एज पर टेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी हम कुटमी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा नींबू का रस भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो केले का मसाला बनाया है वो हम इस टमाटर के अंदर स्टफ करेंगे। मैं आपको एक और टमाटर दिखा देती हूँ। मैंने सब टमाटर को स्टफ कर दिया है। अभी हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गरम हो जाए तब उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 teaspoon हींग और ये ग्रेवी जिसको मैंने एक मिर्ची डाल के बनाया था वो भी इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से इसे हिला दीजिए। इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे ये हमारा फाइनली चॉप कैबेज। अभी इसमें हम मसाला कर देंगे। इसके लिए 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। सब मसाले करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और इसी के साथ हम डाल देंगे हमारे ये स्टफ टमाटोज। एक क्विक स्टर देंगे और इसे ढक देके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेवी पक चुका है और तेल भी छुट्टे लगा है। ये टाइम पे इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और इसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से। हल्के हाथ से, हमारे टमाटर फूटने नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक चुकी है तो अभी ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म स्टफ टमाटो रेडी है। इसे हम थोड़ी धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। स्टफ टमाटो की सब्जी।